आइए पंडित जी पारिए। अरे बच्चा ये क्या बोल रहे हो? ओहो पंडित जी आप समझे नहीं हमारा मतलब बैठिए। अरे बच्चा हम समझ गए तुम ना समझे। क्या मतलब पंडित जी? मतलब बच्चा उसको पधारिए कहते हैं, पादिए नहीं। अरे वो क्या है ना पंडित जी, कई बार हम फ्लो फ्लो में गलत बोल जाते हैं। हाँ तो बच्चा कोई जरूरत नहीं है ऐसा शब्द बोलने की। ठीक है पंडित जी नहीं बोलेंगे। और पंडित जी हमने क्या सोचा है ना, हमने एक जुगलबंदी सोची है आज जो आपकी महानता बताएगी और वो ना हम यहाँ पे दीवार पे टंगवाएंगे लिखवा के। अच्छा बच्चा जुगलबंदी क्या सोची जरा हमको भी तो बताओ, हम भी तो सुने। पंडित जी सुन के एकदम मजा ही आ जाएगा आपको। बच्चा वो पहले तुम हमको सुनाओ, हम सुनेंगे फिर हम फैसला करेंगे। हाँ तो पंडित जी आपकी महानता पे जुगलबंदी कुछ इस तरीके से है, अगर जिंदगी दे रही हो सजा, अगर जिंदगी दे रही हो सजा तो आके मिलिए पंडित जी से, पंडित जी दे देंगे मजा। बच्चा बुरा मत मानना, पहली लाइन तो ठीक है लेकिन ये आखिर की क्या है, पंडित जी दे देंगे मजा? किस प्रकार के मजे की बात कर रहे हो बच्चा, कौन सा मजा दे देंगे हम? है ओहो पंडित जी आप नहीं समझे। बच्चा हम समझ गए, हमको तुम समझाने की कोशिश ना करो, ये बहुत अश्लील लग रहा है सुनने में, दे देंगे मजा, कुछ और सोचो समझे। अरे पंडित जी बाहर भक्त लोग लाइन लगा के खड़े हैं, देखिए घंटी बजा रहे हैं, क्या करें, दरवाजा खोल दें? हाँ बच्चा एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ तो बच्चा लोग हम कह रहे थे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, मन करे तो कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्द से जल्द सतर्क करवाएं और हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। चलिए अब तक हम अपने भक्त लोगों से मिलते हैं। बच्चा खोलो दरवाजा। हाँ तो सब लोग आ गए तो सब मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? बोलो जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित तेरा नाम रहेगा। ये बच्चा ये क्या बोल रहे हो, जरा तमीज से बोल लो, ये क्या होता है पंडित तेरा नाम रहेगा, पंडित जी से सीधे तेरा पंडित? अरे पंडित जी हमारा वो मतलब नहीं था। जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित तेरा नाम रहेगा, पंडित तेरा नाम रहेगा। ये वाला नहीं बोलने का, क्या बोल रहे हो वाला, जो दूसरा मैं बोलूंगा वाला बोलना समझे। हाँ तो बोलो हमारे साथ, समोसे में है आलू, पंडित जी के घर का नाम कालू, पंडित जी के घर का नाम कालू, कालू भाई कालू। पंडित जी अब ठीक का? ठीक है पंकज, पगला वगला गए हो क्या, क्या बता रहे हो सबको हमारे घर का नाम कालू, ये क्या करवा रहे हो हैं? अरे तो पंडित जी चलिए गलती हो गई माफ कर दीजिए, ठीक है एक आखिरी चांस दे दीजिए, आखिरी मौका वादा करते हैं, आखिरी मौका पे चौका मार के दिखाएंगे आपको। ठीक है जाओ तुम भी के याद रखोगे किससे पाला पाला था, दिया आखिरी मौका, इस बार हमको निराश मत करना। हाँ तो भक्तो बोलो मेरे साथ, मिटा देंगे सारी खुजली सारे खाज, पंडित जी जाने दिल के राज, दिल के राज, दिल के राज, मिटा देंगे खुजली सारे खाज, मिटा देंगे सारी खुजली सारे खाज। कैसा लगा हमारा चौका पंडित जी? बस आखिरी मौका था तुम्हारा, चौका तो नहीं लगाया तुमने, अब हमारा मन कर रहा है तुम्हें छक्का बना के यहाँ से उड़ा दें, बोलो उड़ा दें। अरे पंडित जी ऐसा ना करिए, इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, हमारी तो अभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इसमें गर्लफ्रेंड कहाँ से बीच में आ गई? हाँ तो आप हमको छक्का बना देंगे तो हमारी कोई गर्लफ्रेंड थोड़े ना बनेगी फिर। अरे महाराज वाला छक्का नहीं, अरे यार क्रिकेट में जो बैट्समैन छक्का मारता है वो कह रहे हैं सिक्सर, तुम भी ना। अच्छा तो ठीक है, कहा था ना कोई गलत समझ जाते हैं चीज को। हाँ तो भाई भक्तजनों एक एक करके आइए और पंडित जी को अपनी समस्या सुनाइए और समाधान पाइए। हाँ तो बच्चा अपना नाम बताओ। हम काहे बताएं, पहले आप बताइए। अरे हम पंडित जी हैं, हम तुमको क्या बताएं नाम, तुम हमें अपना बताओ। नहीं पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे। अरे यार हमारा नाम है पंडित श्याम सुंदर सयाने, मिल गई खुशी, अब तुम अपना बताओ। अरे लेकिन श्याम तो ठीक है लेकिन ये सुंदर और सयाने कहाँ है, दिख नहीं रहे। ए भैया तीनों पंडित जी ही हैं, श्याम सुंदर सयाने यही हो रखे हैं सबके साथ, थ्री इन वन। वाह क्या बात है, इतनी महंगाई में भी पंडित जी ने तीन तीन नाम रख रखे हैं, पंडित जी आप महान हैं। हाँ तो पंडित जी हमारा नाम हो रखा है चौमू। चौमू ये कैसा नाम है? अरे पंकज समझो तनिक भर, चौमू है तभी चौमू जैसी बातें भी कर रहा है। अरे पंडित जी अपने काम से काम रखिए, नाम पे न जाइए, ऐसा तो आपके भी घर का नाम कालू है, तो हमने कुछ कहा आपसे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है समझे, चुपचाप से अपनी समस्या बताओ हमको। हाँ तो पंडित जी हम कह रहे थे कि हम तीन साल से दसवीं में फेल हो रहे हैं, कोई उपाय बताइए जिससे हम पास हो जाएं। अरे यार मन लगा के पढ़ाई करो और क्या, इतनी सी बात के लिए पंडित जी के पास आ रहे हो, बेवकूफी हो क्या बिल्कुल। पंकज बिटुआ पंडित हम रखे हैं कि तुम जो बता रहे हो क्या करना है क्या नहीं, चुपचाप से खड़े रहो समझे। ऐसा है चौमू बेटा एक केला लो। लाइए दीजिए फिर केला। अरे महाराज हम तुमको क्या फल वाले लगते हैं, बाहर से जाके खरीदो, हम तुमको उपाय बता रहे हैं। अच्छा 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 तो केले का क्या करना है, खा लेना है क्या? खुद नहीं खाना है, केला लो और जाके बंदर को खिला दो, लेकिन याद रखना आधा केला ही बंदर को खिलाना और आधा केला खुद खाना है समझे। अरे ऐसे कैसे आधा केला, बंदर कोई आधा आधा केला नहीं देता, वो पूरा ही झंड कर जाता है एक बार में। ए
ऐसा है चुमू, अगर पास होना है इस बार तो आधा केला तो बंदर से छीन के खाना ही पड़ेगा, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है यार, छीन लेना। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, लगता है बंदर से कभी पाला वाला नहीं पड़ा है क्या पंकज तुम्हारा, उस बंदर के हाथ से आधा केला हम छीनने की कोशिश करेंगे ना तो काट खाएगा हमको। अरे बिटुआ बहुत सारा है भाई, तुमको क्या करना है, तुम ना केला पहले ही छीन लेना और अपने हाथ में पकड़ के बंदर को खिला देना, जैसे वो आधा केला खाए तुम बचा हुआ केला लेकर भाग जाना। हाँ वैसे पंडित जी ऐसे किया तो जा सकता है लेकिन इसमें जान का खतरा है, बच्चा परीक्षा में सफल होना है तो इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा बच्चा, समझे। ठीक है पंडित जी तो हम चलते हैं, प्रणाम आपको हमारा। हाँ तो भाई जो अगला है वो आए। अरे यार सामने करे हमको क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, आओ ना तुम्ही से कह रहे हैं। अरे लेकिन हमारा नाम तो विपुल है, आप तो किसी अगले को बुला रहे हैं। अरे प्रभु अरे परमात्मा, आपने सारे झंडू लोग जिंदगी में हमारे ही लिए लिखे हैं क्या। अरे यार वहाँ देखते ना रहो, आओ अब समझे, पूछो क्या पूछना है तुमको। अच्छा तो पंडित जी हम कह रखे थे हमारा नाम विपुल है। हाँ पता है, अभी खुद ही बताए हो विपुल है, समस्या बताओ यार अपनी। वो कहा है ना पंडित जी, हमारी दो गर्लफ्रेंड है। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, तो खुशी की बात है दो गर्लफ्रेंड है। अरे पंडित जी बात यह है ना कि हमको एक लड़की से प्यार हो गया है तो वो हमसे पट नहीं रही है, तो कोई उपाय बताइए। वाह क्या बात है, मतलब बच्चा तुम्हारी दो गर्लफ्रेंड है पहले से और अब तुम तीसरी भी बनाना चाहते हो। हाँ तो उसमें क्या गलत है पंडित जी, ये तो भगवान का माता रानी का आशीर्वाद है। ऐ परमात्मा ऐ प्रभु, हम भी तो यार कब से आपकी पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं, हमको तो आपने कभी ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। वैसे हम क्या कह रहे थे विपुल, बहुत नौटी हो तुम, शरारती कहीं के, दो दो गर्लफ्रेंड फिर भी तीसरी चाहिए, शकल से एकदम सीधे साधे लगते। अरे पंडित जी ऐसी भोली भाली शकल से सबको पटाया है। ऐ पंडित जी कहा है हमसे कोई लड़की नहीं पड़ती, हम भी तो शकल से सीधे साधे लगते हैं। बच्चा सब्र रखो सब होगा। ठीक है विपुल तो हम तुमको इसका एक उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनो, जब वो लड़की सो रही हो ना तब तुम चुपचाप से जाके उसके थोड़े से बाल काट लो और अपने आंगन में या बगीचे में किसी भी जगह गाड़ दो, समझे। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, वो लड़की है कोई डायन नहीं है। हाँ पंडित जी ये सही कह रहे हैं, हमने भी फिल्मों में देखा है ऐसे ही डायन लोगों को काबू में करते हैं। हाँ यार तो जब तक वो तुम्हारे काबू में नहीं आए थे जब तक वो किसी डायन से कम नहीं है, समझे, यही उपाय है। वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन एक बात हमके समझ में नहीं आ रही, जब वो सो रही होगी तब हम उसके घर में कैसे घुसेंगे। अरे यार इतना अगर हमको ही पता होता तो हम खुद जाके ये काम ना कर लेते हैं, सब कुछ हम ही बताएं, हमारा काम है उपाय बताना, बाकी क्या कैसे करना है वो तुम देखो जाके। ठीक है पंडित जी फिर हम चलते हैं। अरे पंडित जी हम क्या कह रहे थे, इसकी दो तो गर्लफ्रेंड है और तीसरी बनाने का उपाय आपने बता दिया है तो क्या बच्चा। तो पंडित जी हम क्या कह रहे थे, इससे कहिए ना कि जब इसकी तीन गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो उनमें से एक गर्लफ्रेंड इसको हमको देनी पड़ेगी। ए पगला गए हो क्या पंकज, क्या बोल रहे हो ये। अरे तो पंडित जी प्लीज हमारे लिए, प्लीज हमारे लिए, प्लीज। हाँ अब ये कान के नीचे कंटाप मारेंगे ना पंकज, सब तुम्हारा निकल जाएगा, प्लीज प्लीज पगला गए होगा, ये सब हम नहीं करते हैं, समझे, चुपचाप जाकर खड़े हो जाओ अपने वक्त। ए बच्चा ठीक है तुम्हारा काम हो गया, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है पंडित जी आप महान हैं। इतने महान भी नहीं है यार जितना तुमने क्या कह के बना दिया इनको। काका वो पंडित जी कुछ गलत बोल दिया क्या हम। पंडित जी अरे बच्चा ये क्या हुआ। हाँ हाँ चोमू ये क्या हुआ, तुम्हारी हालत तो एकदम फटे पुराने कच्चे जैसी लग रही है, किसने बनाया ये। अरे हम वहाँ पे उस बंदर को केला खिलाने गए तो हमें क्या पता, हम केला खिला के जैसे ही आधा भागे वो बंदर नहीं वो बंदरिया थी, उसका बंदर बैठा दूर से देख रहा था, उसको लगा हम उसकी बंदरिया को छेड़ रहे हैं, उसके बाद उसके बंदर ने और उसके दोस्तों ने जो हमको मिलके कूटाया है। अरे यार तुमसे किसने कही थी बंदरिया को केला खिलाने को। अब पगला गए हो क्या, पता चल रहा था क्या बंदर है बंदरिया, हमने तो केला दिखाया, जो खाने आया उसे खिला दिया, हमें क्या पता था ये हो जाएगा। कोई बात नहीं चोमू बेटा, घबराओ मत, हमारे पास दूसरा उपाय भी है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ऐसा है इस बार क्या करना है, एक सेब लो और वो सेब ले जाके कुत्ते को खिला दो, कुत्ता जैसे ही वो सेब आधा खाया हो आधा लेके भाग जाओ, और इस बार तुमको वो सेब नहीं खाना, तुमको वो बस अपने बगीचे में दबा देना है, समझे। अरे बहुत हो गए तुम्हारे घटिया उपाय, तुम्हारे चक्कर में ये हुआ, हम किसी कुत्ते को ये नहीं खिलाएंगे, अब हम तुम्हें मार मार के कुत्ता बना देंगे तुम दोनों को, अभी रुको बताते हैं। ए बिट्टू रुको, ये क्या कर रहे हो। पंडित जी आप घबराइए मत, अंधेरे होते हुए कोई आपको छू भी नहीं सकता। पंडित जी अलविदा। पंकज बिटुआ नहीं। पंडित अब तुम्हारी वाली छोड़ेंगे नहीं, पर तुमको ये देख चोमू तेरे पीछे बंदरिया तेरे को बुला रही है।
बंदरिया कहाँ है बंदरिया? अरे हमको बेवकूफ बना के कहाँ भागोगे पंडित, छोड़ेंगे ना आ रहा हूँ मैं। अरे ये क्या हुआ? अरे अरे ये क्या हुआ? उस चोमू की बंदूक की गोली से तो हमको कुछ हुआ ही नहीं। लगता है पंडित जी के साथ रहते रहते भगवान का आशीर्वाद हमको भी मिल गया, हम भी अमर हो गए। अरे लगता है पंडित जी अभी भी खतरा है। पंडित जी रुकिए मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। पंडित जी मैं आ रहा हूँ।